व्हाट्सअप यूट्यूबर्स, हाउ यू डूइंग, होप यू डूइंग गुड। और आज मैं लेके आया हूँ वीडियो काली बिल्ली, अब मेरा मतलब ब्लैक पैंथर के फैक्ट्स के ऊपर। तो काफी लोगों ने मुझे काली बिल्ली मेरा मतलब ब्लैक पैंथर के फैक्ट्स के बारे में बताने को कहा, तो इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट काली बिल्ली। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द वीडियो। आप सब लोग एक्समैन के मेंबर्स स्टॉर्म के बारे में तो जानते ही होंगे, और कॉमिक बुक में ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म बचपन के फ्रेंड्स होते हैं, और बड़े हो जाने के बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है और फिर वो शादी कर लेते हैं। और कॉमिक बुक में स्टॉर्म टीचाला की वाइफ और वकांडा की क्वीन होती है। एवरीवन नोज दैट ब्लैक पैंथर इज द किंग ऑफ वकांडा। ये सभी लोग जानते हैं कि वकांडा का किंग ब्लैक पैंथर है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लैक पैंथर मार्वल के उन बहुत ही कम करेक्टर्स में से एक है जो कि मार्वल की सभी टीम्स के साथ काम कर चुका है। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हल्क मार्वल की सभी टीम्स के साथ फाइट कर चुका है, वैसे ही ब्लैक पैंथर मार्वल की सभी टीम्स के साथ काम कर चुका है, जैसे कि अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, एक्सफोर्स, इल्यूमिनाटी, इनह्यूमंस, डिफेंडर्स, फ्यूचर फाउंडेशन, अल्फा फ्लाइट, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, शील्ड, इटर्नल्स, थंडरबोल्ट्स, एस्गार्डियंस, सॉर्सरर सुप्रीम्स, एक्सफैक्टर, न्यू म्यूटेंट्स, न्यू अवेंजर्स एंड चैंपियंस। ब्लैक पैंथर ऐसे लगभग मार्वल की सभी टीम्स के साथ काम कर चुका है, और इसके अलावा ब्लैक पैंथर ने कई मार्वल टीम्स को लीड भी किया है। दोस्तों, जब मार्वल और डीसी कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी तो मार्वल और डीसी कॉमिक्स दोनों ही यूनिवर्स में कोई भी ब्लैक सुपर हीरो एज ए मेन स्ट्रीम सुपर हीरो नहीं था। और आपको जानकर खुशी होगी कि ब्लैक पैंथर वाज द फर्स्ट ब्लैक सुपर हीरो कैरेक्टर इन मेन स्ट्रीम कॉमिक्स। जी हाँ बिल्कुल, ब्लैक पैंथर मार्वल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कॉमिक्स हिस्ट्री में सबसे पहला ब्लैक सुपर हीरो था जो कि किसी भी सुपर हीरो का साइडकिक नहीं बल्कि मेन सुपर हीरो था। और अगर डीसी कॉमिक्स की बात करें तो डीसी कॉमिक्स के सबसे पहले दो फर्स्ट मेन ब्लैक सुपर हीरो थे ग्रीन लैंटर्न एंड ब्लैक लाइटनिंग, पर इन दोनों से पहले जो अपीयर हुआ था वो था ब्लैक पैंथर। और ब्लैक पैंथर के कॉमिक्स में मेन सुपर हीरो अपीयर होने के बाद काफी सारे ब्लैक हीरोज एज ए मेन सुपर हीरोज अपीयर होने लगे, जैसे कि स्टॉर्म, फैल्कन, ल्यूक केज एंड वॉर मशीन एक्सेट्रा। तो अगर आपने ब्लैक पैंथर मूवी देखी है तो ब्लैक पैंथर में आपने वो मैजिकल हब तो देखी ही होगी जिसे कि टिचाला और किल मॉन्गर को किंग बनने से पहले दी गई थी। तो ये हब जो भी कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने वाले को उस हब से सुपर नेचुरल पावर्स मिल जाती है, और कॉमिक बुक में इस हब का नाम है द हार्ट शेप्ड हब। तो अगर आप सोचते हैं कि ये हब कोई मैजिकल हब है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हब कोई भी मैजिकल हब नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये म्यूटेंट हब है जो कि वाइब्रेनियम मेटल के इतने लंबे टाइम तक वकांडा के लैंड में दबे रहने के कारण एक्सपोजर होकर बनी है। और इस हब को सिर्फ वकांडा के लोग ही कंज्यूम कर सकते हैं, और वकांडा के भी सभी लोग इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, सिर्फ वही लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं जो कि राजघराने से हैं। मतलब कि कोई भी एरागेरन अथुगेरा इस म्यूटेंट हब को कंज्यूम नहीं कर सकता, और अगर कोई बाहर का इंसान इस म्यूटेंट हब को कंज्यूम करने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा भयानक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इसके अलावा उसकी पूरी की पूरी बॉडी पॉइजन हो सकती है और वो मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और ये म्यूटेंट हब कंज्यूम करने वाले को बहुत ही कमाल की सुपर पावर्स मिलती है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, इलिगेबिलिटीज, एंड्योरेंस, सुपर हीरो सेंस, नाइट विजन, और यहां तक कि वो अपने एनिमीज की हार्ट बीट तक भी सुन सकता है। ब्लैक पैंथर के सुपर पावर्स बिल्कुल ही कैप्टन अमेरिका के इक्वल्स है, यानी कि ब्लैक पैंथर की स्ट्रेंथ और उसकी पावर्स बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के जितनी ही है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक पैंथर ने अपनी फाइटिंग स्किल और अपने माइंड के साथ अपने से दुगने तिगने सुपर विलन्स को सिंगल हैंडली हराया हुआ है, जैसे कि डॉक्टर डूम एंड डेविल मेफिस्टो। और इसके अलावा ब्लैक पैंथर ने फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स को भी हराया हुआ है। ब्लैक पैंथर के पास हाई फिजिकल स्ट्रेंथ और इनसेन सुपर हीरोज एबिलिटीज हैं, और ब्लैक पैंथर हमेशा ही अपने ओपोनेंट की कोई ना कोई वीकनेस ढूंढकर उसे हरा ही देता है, जैसे कि बैटमैन करता है। तो आप ब्लैक पैंथर को मार्वल का बैटमैन कह सकते हैं। तो ब्लैक पैंथर की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो आपको पता चल ही चुका है, और ब्लैक पैंथर जितना फिजिकली स्ट्रांग है उतना ही वो मेंटली भी स्ट्रांग है। ब्लैक पैंथर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी करी हुई है, और टीचाला एडवांस टेक्नोलॉजी और हर तरह के वेपन्स बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह। और यहां तक कि टीचाला रिवर्स इंजीनियरिंग बॉम्ब्स में भी बहुत बड़ा मास्टर है, और एक कॉमिक बुक में ये रिवील हुआ कि टीचाला रिवर्स इंजीनियरिंग बॉम्ब से ऐसे खतरनाक बॉम्ब्स बना सकता है कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ब्लैक पैंथर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 1966 में कॉमिक फैंटास्टिक फोर इशू 52 में, और ब्लैक पैंथर के क्रिएटर है जैक कर्बी एंड स्टैनली। और इस कॉमिक बुक के बाद ब्लैक पैंथर और कई कॉमिक्स में दिखा, और कई कॉमिक्स में दिखने के बाद ब्लैक पैंथर काफी फेमस हो गया और लोगों को काफी पसंद आने लगा, और उसकी बढ़ती हुई पॉपुलरिटी देख के मार्वल यूनिवर्स ने ब्लैक पैंथर को उसकी सोलो कॉमिक्स में अपीयर किया, और इस तरह ब्लैक पैंथर को मिली उसकी सोलो कॉमिक जिसका नाम था जंगल एक्शन इशू 5, जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, और लोगों को ये कॉमिक बहुत पसंद आई, और इसके बाद ब्लैक पैंथर वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। तो
तो ब्लैक पैंथर को क्रिएट करने के बाद स्टैनली और जैक कर्बी ने जो ब्लैक पैंथर के लिए पहले नाम सोचा था वो था ब्लैक लेपर्ड, पर उन्हें यह नाम कुछ खास पसंद नहीं आया तो इसलिए उन्होंने ब्लैक लेपर्ड से उसका नाम चेंज करके रख दिया कोल्ड टाइगर। लेकिन ये नाम से अच्छा तो पिछले वाला नाम ही था, तो उनको ये भी नाम कुछ खास पसंद नहीं आया, तो काफी सोचने के बाद उन्होंने लकीली जो उसका टाइटल सेलेक्ट किया वो था ब्लैक पैंथर। थैंक गॉड। तो कॉमिक हिस्ट्री में लगभग सभी सुपर हीरो की एक अल्टर ईगो होती है जिसे कि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए रखते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन की अल्टर ईगो है पीटर पार्कर, सुपरमैन की अल्टर ईगो है क्लॉक कैंट और बैटमैन की अल्टर ईगो है ब्रूस वेन। तो उसी तरह अगर आप सोचते हैं कि ब्लैक पैंथर की अल्टर ईगो टीचला है तो आप यहां पे गलत है। टीचला ब्लैक पैंथर अपनी आइडेंटिटी हाइड करने के लिए नहीं बलता, बल्कि ब्लैक पैंथर एक टाइटल है जो कि वाकांडा के किंग को मिला है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्लैक पैंथर एक टाइटल है, कोई अल्टर ईगो नहीं, और टीचला ब्लैक पैंथर अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए बनता है और ये टाइटल प्रोटेक्टर टू प्रोटेक्टर पास होता रहता है। जैसे कि टीचला को ये ब्लैक पैंथर का टाइटल मिला अपने फादर टीचका से और टीचका को ये टाइटल मिला अपने फादर से, तो इसी तरह ब्लैक पैंथर का ये टाइटल प्रोटेक्टर टू प्रोटेक्टर पास होता रहता है ताकि वो अपनी कंट्री को दूसरे खतरों से प्रोटेक्ट कर सके और अपनी कंट्री को एक बढ़िया तरीके से चला सके। तो गाइस मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ब्लैक पैंथर मूवी देखी ही होगी और इस मूवी ने रिलीज होने के बाद पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। और ब्लैक पैंथर मूवी रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोग वकांडा को गूगल मैप के ऊपर सर्च करने लगे थे और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ब्लैक पैंथर मूवी देखने के बाद ब्लैक कैट्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। और इतना नहीं, उन्होंने ब्लैक कैट्स को अडॉप्ट करके उनके नाम भी मूवी के कैरेक्टर्स के ऊपर ही रखने शुरू कर दिए थे, जैसे कि टीचला, टीचाका, शुरी, किलमोंगर एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग ब्लैक पैंथर को मार्वल का बैटमैन कहते थे क्योंकि इन ब्लैक पैंथर और बैटमैन दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, जैसे कि दोनों का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई था, दोनों बहुत ज्यादा रिच थे, दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड फाइटिंग स्किल्स में चैंपियन थे, दोनों की कॉस्ट्यूम ऑल ब्लैक थी और दोनों ही रात को शेडोज में बाहर निकलते थे, और इसके अलावा दोनों ही वेपन्स और गैजेट्स बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे और इनके वेपन्स और गैजेट्स बहुत ही ज्यादा यूनिक थे और दोनों की लुक्स ऑलमोस्ट सेम ही थी और दोनों ही अकेले काम करना पसंद करते थे और दोनों ही अपने होम टाउन को ऑलवेज प्रोटेक्ट करते थे, जैसे कि ब्लैक पैंथर प्रोटेक्ट करता था वकांडा को और बैटमैन प्रोटेक्ट करता था गॉथम सिटी को, और दोनों ही तभी किसी टीम का हिस्सा बनते थे जब कोई इमरजेंसी हो, और बैटमैन और ब्लैक पैंथर दोनों ही किसी और के मामले में दखल नहीं देते थे। वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर मार्वल यूनिवर्स के सबसे ज्यादा रिच सुपर हीरोज में से एक है क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा का किंग और एक ट्रिलेनियर है और ब्लैक पैंथर के इतने अमीर होने का रीजन है वाइब्रेनियम, जो कि पूरी अर्थ में सिर्फ वाकांडा में ही पाया जाता है, और कैप्टन अमेरिका की शील्ड, ब्लैक पैंथर का सूट और वाकांडा का पूरे का पूरा टेक और उसकी फाउंडेशन पूरी वाइब्रेनियम के साथ ही बनी है, और वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और वाइब्रेनियम अनब्रेकेबल है। और अब आप लोग कहेंगे कि अगर वाइब्रेनियम अनब्रेकेबल है तो थैनोस ने अपनी स्वॉर्ड से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को कैसे तोड़ दिया, कैसे? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाइब्रेनियम अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, पूरे यूनिवर्स का नहीं, और थैनोस की स्वॉर्ड यूनिवर्स के एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी थी जिसे कि इथ्री ने बनाया था, और इथ्री वही है जिसने कि थॉर का हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर बनाया था, तो इसीलिए थैनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को अपनी स्वॉर्ड से तोड़ दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए हैं, और अगर पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है। तो अब आप अगले किस सुपर हीरो के फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो जिसे भी ज्यादा वोट्स मिलेंगी मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। तो तब तक के लिए वकांडा।